हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है, कौन सा दिन है? आज है संडे है आज। और मैं यहाँ पे अपना हेयर वॉश वगैरह करके बैठी हूँ। तो कल तीज की फास्टिंग है, तो आज ही मैंने अपने बाल धुल लिए हैं क्योंकि मंडे पड़ जा रहा था। मंडे को हम लोग हेयर वॉश नहीं करते हैं और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद बस थोड़ा सा मैं रेस्ट करने आई थी। और ये अक्षित की शैतानी देखिए, लड़ाई, पता नहीं फाइटिंग में क्या मज़ा आता है इन्हें। तो अपने पापा के साथ करते हैं, अभी मेरे साथ कर देखिए, मैंने रहे हैं। मेहंदी लगाई है, थोड़ा बहुत बच गया खुद से पैरों में, तो मैं हर साल लगाती हूँ, इस साल भी लगाया है मेहंदी। मेरी कैसी लग रही है? एक मैं डिफरेंट लग रहा है ना? अभी मैं हाथ पे नहीं लगाई हूँ, तभी लगाऊंगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं 4 बजे से बैठी थी मेहंदी लगवाने। ये मैं बुलाई थी मेहंदी लगाने के लिए, बट इतना ये स्लो मेहंदी लगा रही थी कि मैं खुद परेशान हो गई। और एक हाथ पे, मतलब दोनों हाथों पे कंप्लीट नहीं लग पाया। आगे का तो इसने लगा दिया था, बहुत सुंदर लगा रही थी, बट बहुत ही स्लो लगा रही थी। फिर मैंने पीछे का लगाया खुद से। आप लोग बताना कैसा लग रहा है मेहंदी। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ से अपनी पूरी जो हैंड है मेहंदी लगवाई है, और मुझे बहुत सुंदर लगती है मेहंदी। तो बस ये लगा रही है। और यहाँ पे यक्षित मुझे पानी पिला रहे हैं क्योंकि दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी। तो देखिए, बेटा बेटी दोनों कितने केयरिंग होते हैं। ये मेरा बेटा है तो मुझे पानी पिला रहा है, और ये सुबह मैं उठी थी पानी पीने के लिए, उठा जाता है ना। तो ये मेरी मेहंदी रच चुकी है, बहुत अच्छा कलर आया था। और मम्मी, सासू माँ मेरी कॉल की थी, मेरी मम्मी भी कॉल की थी उठने के लिए। तो दोनों जो माँ हैं इतनी अच्छी है मेरी। यहाँ पे 3 बज रहा है तो मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है और पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी। देखिए, मैंने जो छूने वाला सामान होता है ना, वो मैंने खरीदा है। क्या मैं तीज में दान करने वाली हूँ, तो जितना भी 16 श्रृंगार जो होता है वो दिया जाता है हम लोग में। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में बताना। तो यहाँ पे ये ब्लाउज का कपड़ा है, आप लोग साड़ी वगैरह दे सकते हो, और कंघी, चूड़ी, बिंदी, मतलब जितना भी श्रृंगार का सामान होता है, जितना मेरे से मेरे को लगा उतना मैंने खरीदा। ये काजल है, तो शोप, मतलब सारी चीज़ें मैंने वो रखी हुई है। आप लोग बताना इसमें अगर कोई कमी है तो मैं इसमें वो करूँगी नेक्स्ट ईयर से। तो ये सब मैं जब पानी पीऊँगी उस टाइम इसे दान करते हैं हम लोग में, तो इसे दान करेंगे। और फ्रूट्स और मिठाई वगैरह भी रहेंगे साथ में। तो यहाँ पे मैंने शाम को नहा के फिर मैं रेडी होने गई। और ये मेरी साड़ी है, आप लोग बताना कैसी लग रही है। और यहाँ पे मैं पैर कलर कर रही हूँ। तो आज के दिन पूरा जो 16 श्रृंगार होता है ना, वो किया जाता है। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं जो लेडीज़ हैं इस फास्टिंग के लिए। तो मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। आप लोग बताना मेरा तीज मेकअप लुक कैसा लगा और मेरी साड़ी कैसी लगी। तो चलिए अपना मेकअप करते हैं और मिलते हैं। Thank you.
तो यहाँ पे मैंने ये नोज़ पे थोड़ा सा शेप देने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, और इसे मैं स्पंज की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। कोई मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट घर पे जो मेकअप है ना, हमारे घर पार्टी वगैरह होती है तो हम खुद से मेकअप करते हैं, और मैं ऐसे ही करती हूँ। आप लोग को मेरा मेकअप लुक कैसा लगता है कमेंट में बताना। तो बस ये हमारा जो फेस मेकअप है वो हो गया है। अब मैं थोड़ा सा हाइलाइटर थोड़ा सा लगा रही हूँ, तो हल्का सा मैंने नोज़ पे लगाया है, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल। तो मेरे आईब्रोज तो ब्लैक हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा उन्हें फिल करने के लिए यूज़ करती हूँ, और थ्रेडिंग नहीं करवाया ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही थिक लग रहा है, बट कोई नहीं, अच्छा लगता है। और फिर अब हम यूज़ करेंगे अपना आई शेडो। तो मैंने अपने साड़ी के मैचिंग का आई शेडो लगाया है, और यहाँ पे देखिए लाइट येलो कलर था, तो इसको मैंने पहले ऊपर लगाया, फिर नीचे मैं अपना पिंक शेड जो है वो लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो मेरा मेकअप है वो डन हो चुका है, तो मैं ये लास्ट लगा रही हूँ अपना लिपस्टिक। और सबसे मेन चीज़ जो आज का पीला सिंदूर, आज बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है, तो हमारे यहाँ ना जो सिनोरा होता है शादी का, उससे लगाया जाता है, बट मैं यहाँ पे रखी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये छोटी सी डिब्बी है, मैं इसी में येलो कलर का जो सिंदूर होता है वो रखती हूँ, तो इसे मैंने आज लगाया है। और आप लोग कैसे करते हो अपना तीज का फेस्टिवल, आप लोग बताना। तो आज मैंने इस तरीके से अपना जो सिंदूर है वो लगाया है फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने, और मेरा जो मेकअप है वो डन डन हो चुका है। तो बस मैं इयररिंग्स पहनूंगी। तो ये मेरी इयररिंग्स आप लोगों को कैसी लग रही है? ये मैं कहाँ गई थी तो ले आई थी, हाँ कनॉट प्लेस गई थी, वहाँ से ले आई थी इसे मैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, मेरी साड़ी से मैचिंग हो गई, तो मैंने आज इसे पहन लिया। बट बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है ना, ब्यूटीफुल लग रही है, तो आज मैंने इसे वियर।
दिस इज माय फाइनल लुक। मैंने नेकलेस वगैरह नहीं पहना है, बस ये मैं झुमके ले आई थी, गई थी। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैंने इस बार तीज में अपने फेस पे कुछ नहीं कराया, हर बार कराती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे ज़्यादा देर तक मतलब बैठना वगैरह नहीं अच्छा लग रहा है, और मैंने ये नथ लगा लिया है। तो आप लोग मेरा लुक बताना तीज वाला कैसा लग रहा है। बस थ्रेडिंग भी नहीं बनी है मेरी, हल्की फुल्की निकली हुई है। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है? तो ये कांजीवरम साड़ी है, अभी मैं नेल पेंट लगाऊंगी इस पर, नेल पेंट नहीं लगाया। और मेरी चूड़ियाँ तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए साड़ी लाई है, मैं नहीं गई थी लाने। और कैसी लग रही है कमेंट में बताना। तो अभी तो प्यास नहीं लगी है, बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, देखते हैं। आज तो 12 बजे ही पानी मिल जाएगा सबको, तो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे मैंने फेस मेकअप करने के बाद मेरा नेल पेंट बच गया था, तो यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। और मेरा जो नेल्स है वो मैंने बहुत ज़्यादा छोटे रखे हुए हैं, मैं नेल्स बड़े नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं वृंदावन गई थी तो किसी ने मुझे बोला कि बड़े नेल्स नहीं रखना चाहिए। तो बस मैं सोचती हूँ कि छोटा ही रहे, बट ये पता नहीं मेरे नेल्स का ग्रोथ ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो बस छोटे छोटे नेल्स हैं बट अच्छे लग रहे हैं। मैंने इसको कलर कर लिया है और पैर भी अभी कलर करूँगी। आई होप मेरा मेकअप लुक आप लोग को अच्छा लग रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए ले आऊँ। तो यहाँ पे मैंने न्यू बिछुआ पहना है और न्यू पायल पहनी है। तो तीज में ना सारा श्रृंगार जो होता है वो करते हैं, तो यहाँ पे मैंने पहना हुआ है। और पैर में कलर लगा लिया था मैंने, अभी नेल पेंट लगा रही हूँ पिंक कलर का। शाम के टाइम हमारा मंदिर कितना अच्छा से सजा है, और यक्षित के पापा ने डेकोरेट किया है और बहुत सुंदर से सजा दिया है। और पार्वती जी शंकर जी हमारे देखिए, और इनको फ्रूट्स वगैरह जो भी फ्रूट्स होते हैं बेलपत्र सब चढ़ा के भगवान की पूजा हुई है। पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया गया, छूने वाला जो सामान है वो भी मैंने निकाल के रख दिया था। और यहाँ पे यक्षित मेरे साथ बैठे हैं कथा सुनने के लिए, हरितालिका तीज व्रत कथा। थोड़ी देर बैठे थे फिर उठ के चले गए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर बैठते नहीं हैं। और यहाँ पे अपने पति देव का आशीर्वाद लिया, और फिर सारे बड़े जो घर के हैं सबको फ़ोन लगा के आशीर्वाद लिया। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाय बाय।